पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर लॉरेंस अब बहुत डरा हुआ है। मूसेवाला की हत्या से पंजाब के लोगों में बेहद आक्रोश है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस को आशंका है कि इस माहौल में पंजाब पुलिस उसका इनकाउंटर करवा सकती है। ऐसे में उसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस ने इससे पहले NIA कोर्ट में भी पिटीशन लगाई थी, मगर NIA कोर्ट ने उस पर इस कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जिसके बाद मंगलवार को उसने अपने वकीलों के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। इस बीच पंजाब पुलिस अभी तक मूसेवाला के हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है। हालांकि इस मामले में देहरादून, भटिंडा और जालंधर में 8 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति पर हत्यारों को हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाने का शक है। दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में गैंगस्टर लॉरेंस ने उसकी सिक्योरिटी पुख्ता करने और उसकी दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर नहीं जाने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया। अपने वकीलों के जरिए लगाई गई याचिका में लॉरेंस ने मांग की कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसकी कस्टडी पंजाब या फिर किसी दूसरे राज्य को पुलिस को ना देने के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि उसका फेक इनकाउंटर किया जा सकता है। वहीं लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा के मुताबिक उसके मुवक्किल पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत केस दर्ज है। उन्होंने मकोका के ट्रायल कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका लगाकर लॉरेंस की कस्टडी पंजाब पुलिस को नहीं देने की मांग की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली और इसीलिए आज हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है। लॉरेंस ने अपनी अर्जी में कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस चाहे तो तिहाड़ जेल के अंदर उसे पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि 29 मई की शाम पंजाब में मनसा जिले के जवाहर के गांव में सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला के मर्डर के बाद गैंगस्टर लॉरेंस और कनाडा में बैठे उसके गुर्गे गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सोमवार को ही तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस और काला जठेड़ी से इस बारे में पूछताछ भी की थी। इससे पहले पंजाब के DGP VK भावरा मूसेवाला की हत्या के गैंगस्टरों की आपसी लड़ाई का नतीजा बताते हुए इसमें गैंगस्टर लॉरेंस को लिप्त बता चुके हैं। वही पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई, जिसके पीछे वहां बंद गैंगस्टर लॉरेंस है। उसने कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ मिलकर ये साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने कुछ वक्त पहले 2 लाख के इनामी गैंगस्टर शाहरुख को पकड़ा था, जिसने ये सब जानकारी दी है। उसने बताया कि मूसेवाला को पहले भी मारने आए हुए थे, जहां AK-47 वाले कमांडोज को देखकर वापस लौट गए। उन्होंने गोल्डी से सिग्नल ऐप पर बातचीत कर मॉडर्न हथियार मांगे थे। बाद में शाहरुख इस मामले से अलग हो गया। इस हत्याकांड में लॉरेंस और गोल्डी बरार के अलावा जग्गू भगवानपुरिया, मनप्रीत औलक का मैनेजर सचिन, अजय गिल, सत्येंद्र काला, सोनू काजल और अमित काजला का नाम सामने आ रहा है। विशाल जी, आप हाईकोर्ट किस लिए आए? आज मैंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो है रिट पिटीशन फाइल की है, जिसके अंदर मैंने ये सामने से डायरेक्शन मांगी है कि हाईकोर्ट जो है जेल अथॉरिटी को, तिहाड़ जेल को और दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन दे कि जब भी कभी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई भी प्रोडक्शन वारंट या ट्रांजिट डिमांड आएगा तो उसके अंदर इसको पुख्ता सिक्योरिटी और पूरी तरीके से हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको किस तरह का डर है जो ये याचिका लगानी पड़ी है? देखिए, मेरे को जो एप्रीहेंशन है, जो अभी पंजाब का माहौल बना हुआ है मूसा वाले के मर्डर के बाद में, तो उसके अंदर में साफ वहां की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है, तो मुझे जो वहां पे पॉलिटिकल उथल पुथल है उससे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां की पुलिस प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में मेरे क्लाइंट के साथ कोई मिसहैपनिंग कर दे। हम फेयर ट्रायल के लिए तैयार हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरा राइट है, तो इसी सुरक्षा को मांगने के लिए मैंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। अभी 2 बजे मेरी मैचिंग है और जहां तक लगता है मेरे को कल इसमें सुनवाई भी हो जाएगी।